नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। मुकेश अम्बानी की बेटी ईशा ने शादी को लेकर किया खुलासा। इस मजबूरी के कारण विदाई में रोई थी। देश की सबसे अमीर बिजनेस मुकेश अम्बानी की बेटी ईशा की शादी 12 दिसंबर को आनंद पीरामल के साथ मुंबई में हुई। इस शादी में बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। ईशा अम्बानी की रॉयल वेडिंग में अम्बानी परिवार के सदस्य थे और अम्बानी परिवार से एंटीलिया से ही ये शादी हुई थी। शादी से पहले के सारे फंक्शन उदयपुर में हुए थे, वहीं रिसेप्शन पार्टी मुंबई में रखी गई थी। ईशा अम्बानी ने पहली बार अपनी शादी को लेकर राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि ये पल बहुत इमोशनल था पूरे परिवार के लिए। ईशा ने वोग मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया, साथ ही वोग को खास इंटरव्यू भी दिया। ईशा ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी शादी साल की सबसे बड़ी शादी बन गई और उन्होंने इसके लिए क्या क्या तैयारियां की थी। ईशा ने कहा कि माँ और पापा ने मेरी शादी में बहुत काम किया। ये अच्छी बात रही कि मेरी पसंद उनकी पसंद बन गई। मैं शादी में होने वाली किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। मैंने पहले से ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी कैसे होगी, लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से अधिक था। 27 साल की है ईशा। उन्होंने बताया कि शादी के दौरान मेरे पास खड़े सभी लोग रोने लगे, सभी की आंखों में आंसू थे। मैं भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन मेरे पास खड़े सभी लोग पूरा टाइम रोते रहे। मैं सिर्फ विदाई के समय रोई क्योंकि मेरे ऊपर बाकी लोगों का प्रेशर था, खासतौर से मेरे पेरेंट्स का। अम्बानी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। इसमें सभी रोते हुए नजर आए। इसमें बच्चन के अलावा दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और रेखा जैसे बड़े सितारों ने भी शिरकत की थी। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।